So, finally, here we are. हम आ चुके हैं पोस्टमार्टम सीरीज के साथ yes, guys, सीरीज का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे so, guys, आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने जो अभी जो अटेम्प्ट उस अटैम्प में पूछे थे हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन पूछा था हमें क्या लिखना चाहिए था Institute की क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपसे अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको किस तरीके से टैकल करना चाहिए सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग सीरीज एक इंट्रोडक्शन so देता हूँ अपना माई सेल्फ प्रोफेसर दीप व्यास आज हम इस पोस्टमार्टम सीरीज में जो इंस्टीट्यूट ने अभी जो अट रखा था उसमें जो आपका सीआरबी वाला जो पार्ट है पार्ट सी, जो की बात करता है इंसॉल्वेंसी के बारे में वाइंडिंग अप के बारे में, तो आज इस पोस्टमार्टम सीरीज में हम पार्ट सी के क्वेश्चन करने वाले हैं चलो सो so फटाफट -फड़ स्टार्ट करें क्या चलो आ जाओ सब लोग मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूं चलो यस गाइस अब फाइनली हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे पोस्टमार्टम सीरीज के साथ अच्छा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करना आप जैसे ही क्वेश्चन एक बार देखोगे तो आप वहां पे इस वीडियो को पॉज करना आप खुद से एनालाइज करना कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए था इससे गाइस होगा क्या ना इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा ठीक है आप ना इसको अपनी एग्जाम के जैसा ही ट्रीट करो मतलब देखो जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये पेपर दिया हुआ है उनके लिए तो ठीक है

had provided digital classroom services to measures ABC Private Limited between 16th April 2015 and 23rd June 2020 and accordingly, the operational creditor raised 219 invoices in light of the non-payment by the corporate data. The operational creditor has issued demand notice under Section 8 of the IBC 2016 wherein date of default was mentioned as 16th April 2015, the date of फर्स्ट इन अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो तो हमने लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था अगर तुम्हें याद हो तो कि अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को मैंडेटरीली सीआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के पहले उनको क्या करना पड़ता है गाइस यस यस क्या करना पड़ता है यस yes, आप सब करेक्ट हो कहना इसे सेक्शन एट के अंदर उनको पहले डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ता है तो तो जब उसने demand notice serve कि जब उसने किया किया किसने ने कौन है शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड इसने इसने में जो इसने date of default रखा था वो डिफॉल्ट क्या था 2015. जो कि क्या है जब first invoice जब raise किया था ना वो डेट अब हुआ क्या ना जब कॉर्पोरेट डेटर ने जब यहाँ पे डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया

एडवाइज वेदर ग्राउंड ऑफ क्लेम इज टाइम बार्ड और नॉट साइडिंग पूछा है सिर्फ क्या आंसर मांगा है नहीं आपको आपको भी करना है, उसके साथ-साथ एक रेलिवेंट केस लॉ बताना है चलो गाइस अब देखिए कि इसका सजेस्टेड आंसर क्या होगा चलो आ जाओ सी ये रहा आपका सजेस्टेड आंसर सबसे पहला तो हम प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे

वो भी इस पर्टिकुलर कोड में अप्लाई हो मतलब अगर मान लो जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है वहां से लेके आपको आपको साल साल का टाइम मिलेगा फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी मतलब तीन साल के अंदर guys, आपको क्या करना है एप्लीकेशन फाइल करना है अगर आपको सीआरपी इनिशिएट कराना है तो अब यहाँ पे इस जो क्वेश्चन में सिचुएशन दिया है ना ये क्या कहा है कि यहाँ पे जब उन्होंने डिमांड नोटिस दिया तब डिमांड नोटिस में डेट ऑफ डिफॉल्ट अलग था और जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया सेक्शन 9 में तो वहां पे जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है वो अलग है तो हमें यह बताना है कि क्या ये एप्लीकेशन जो इन्होंने फाइल किया है क्या वो टाइम बार्ड है अब आ जाओ फैक्ट्स के ऊपर कहने से फैक्ट्स हमने ऑलरेडी देखा हाँ कि ना फैक्ट्स कहने से हमने अभी देखे कि क्या फैक्ट्स था अच्छा अब ये समझते हैं कि यहाँ पे जो इशू जो रेज हुआ है इशू वेदर द टाइम बार्ड इशू

इनवॉइस भी जो मैंने रेस किया था किसने बीइंग एन ऑपरेशन क्रीटर अगर जो मैंने लास्ट इनवॉइस रेस किया है कैन आई से वहां से भी ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा तो यस yes गाइस अब आपका कंक्लूजन क्या होगा दैट द डिमांड नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 8 मेंशन द डिफॉल्ट डेट एज़ 16th अप्रैल जो कि फर्स्ट इनवॉइस का डेट था एंड द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9 मेंशन द डिफॉल्ट डेट एज़ 23rd जून जो कि आपके लास्ट इनवॉइस का डेट था तो अब आपको कंक्लूजन क्या देना है दैट सिंस द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9 वर इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट डेट ऑफ 23 जून 2020 विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड एंड कंसीडरिंग द इंटरप्रिटेशन इन द बीके एजुकेशनल सर्विसेज केस इट अपीयर्स दैट द क्लेम इज नॉट टाइम बार समझ में आया बच्चा पार्टी तुमको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है यस yes, गाइस हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए आपको हमेशा पहले प्रोविजन फिर उसके बाद फैक्ट्स और कुछ रेलिवेंट केस लॉ जो पूछा है वो और फिर आपको आपका आंसर कंक्लूड करना है चलो बचा पाटी अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव सी अच्छा अब ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव सी है ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है दैट दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रेप्सी कोड 2016 रेड विद रेगुलेशन 37 ऑफ सीआरपी रेगुलेशन प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मेजर्स टू रिज़ोल्व द इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एक्सप्लेन दोज मेजर्स अब अगर आपको याद हो जब हमने रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने ये रेगुलेशन 37 पढ़ा था यस और नो Yes, बच्चा पार्टी कहने से रेड विद रेगुलेशन वेरियस मेजर्स ऑफ थे जो आप रेगुलेशन करके फॉर वेरियस कर टू हो आप कॉरपोरेट डेटर अब, अब वो सारे के सारे मेजर्स क्या क्या है तो वो देखो सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ ऑल और, और पार्ट ऑफ फिर सेल ऑर ऑल पार्ट ऑफ फिर आप कॉर्पोरेट डेटर को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो कैसे रिस्ट्रक्चर करोगे मोजर अमाल हो गया याद आया बच्चा पार्टी ये हमने हर एक डिटेल में कवर किया था फिर आप सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर लो या तो फिर आप उसको डीलिस्ट करा दो या तो फिर आप क्या करो जितने भी उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको मॉडिफाई करा दो या सेटिस्फाई करा दो फिर आप क्या करो अगर कुछ ब्रीच हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एनी डेट

पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हो ये सारी की सारी चीजें गाइज आप यूज करोगे किसके लिए एक कॉर्पोरेट डेटर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए यस और नो तो कहना सी गई ये एकदम बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एकदम इजी था आपको सिर्फ रेगुलेशन 37 के अंदर जितने भी मेजर्स जो दिए हैं आपको वो मेजर्स एक्सप्लेन करने थे यस और नो यस बच्चा पार्टी क्या अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्यूटीज ऑफ योर इन्सोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल योर इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड योर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अब अच्छा ये, ये, ये जो क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखो In the third meeting of COC of ABC Company Limited, the IRP was replaced by another person as resolution professional. The appellant wants to file an appeal before the adjudicating authority for confirmation of the RP's appointment. As a legal advisor of ABC Company, advise with relevant case law as to whether the adjudicating authority can reject the application on the basis that the COC's decision was taken in its third meeting.

तो इसे क्या ये वैलिड माना जाएगा तो अगेन द आंसर इज यस क्या सीओसी को, को कोई जरूरत है क्या लिखना चाहिए था सबसे पहला आपको क्या लिखना है फैक्ट्स लिखना है अब फैक्ट्स आपको क्वेश्चन से लेने हैं जो फैक्ट हमने अभी डिस्कस किया अच्छा अब जो केस लॉ कौन सा है जो कि हमें यहाँ पे कोट करना चाहिए था वो केस लॉ है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर्स नितिन न्यूट्रीशन प्राइवेट लिमिटेड ये केस केस आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 540 पे पे है गाइस यस yes. से इस में हमने देखा था कि यहां पे भी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको अपॉइंट किया गया था उसको फर्स्ट मीटिंग में नहीं बल्कि उसको थर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया था और सीओ सी ने इसको लेके कोई रीजन भी नहीं दिया था तो क्या यहाँ पे इसको इनवैलिडेट किया था तो द आंसर इज नो कहना से सीओ का ये कमर्शियल विजडम होता है कि वो आरपी को कौन सी भी मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं एंड अगर वो आरपी को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे आरपी के साथ या तो फिर वो आरपी को थर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये किसी के लिए भी उनको रीजन देने की जरूरत नहीं है सीओ डिसीजन वाज टेकन इन थर्ड मीटिंग

तो कहने से आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट है मैंने अभी भी आपको कहा कि आप आप क्वेश्चन पॉज करो, जाएंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्स ए अगेन एकदम ये एकदम एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अपने आई बी सी के अंदर भी होने चाहिए हमें ये प्रोविजन एडॉप्ट करना चाहिए तो कहना से वहां पे उन्होंने कुछ वेरियस रिकमेंडेशन दिए थे अब आपको यहाँ पे बताना है की वो सारे के सारेमेंडेशन क्या वो यूनिसिट्रल गाइडलाइंस और जो मॉडल लॉ जो दिया था क्या वो उसके अकॉर्डिंग था और yes नो, no? तो हमें ये आंसर करना था। अब हमें आंसर में क्या लिखना है? ये देखो, रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आर इंडिड अलाइन प्रोविजन ऑफ यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर ऑफ हाउ दे

कि आप फॉरेन प्रोसीडिंग को किस तरीके से याद आया को कैसे हमने ये भी देखाइज होता, होता है तो जो भी डिसीजन वो नॉन मेन प्रोसीडिंग में लिया जाएगा वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके मेन प्रोसीडिंग के साथ यस yes, बच्चा पार्टी क्या आपको याद है तो कहने से ये सेकेंड रिकमेंडेशन था जो आई ने दिया थर्ड रिकमेंडेशन क्या बोला क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अगर, अगर अराइव होता है तो यहाँ पे क्या करना है आपको कोऑर्डिनेशन करना है और कोऑपरेट करना है अब ये कैसे होगा अगर मान लो कोई ट्रिब्यूनल जो इंडिया में लोकेटेड है और कोई ट्रिब्यूनल जो की फॉरेन में लोकेटेड है अब उनको क्या करना पड़ेगा उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हमने ये भी देखा था कि वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे यस और नो हमने ये भी देखा था कि वो आपस में कोऑपरेट कैसे करेंगे अगर मान लो इंडिया के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है उसने बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं या ये इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दी कॉर्पोरेट डेटर ये मेरे को चाहिए लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के 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 पास 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 नहीं है, पास है? है, है? वो वो किसके या तो भी कहने से हमने वो प्रोसीजर पढ़ा था कि आप किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हो येस और नो इससे क्या होगा गाइस आप कहने से यहाँ पे यह देख रहे हो कि एक ही प्रोसीडिंग में एक ही मैटर में जहाँ पे एक ही कॉर्पोरेट डेटर है कॉमन कॉर्पोरेट डेटर है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो गाइस ट्रिब्यूनल जो कि अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है वो क्या कर रहे हैं वो आपस में कॉपरेट कर रहे हैं कहने से

फोर्थ रिकमेंडेशन जो दिया था वो दिया था आईएलसी ने विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स इंटरेस्ट बोथ द यूनिसिट्रल मॉडल लॉ एंड आईएलसीज रिकमेंडेशन एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर इन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग दिस इंक्लूड एनशोरिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन And facilitating equitable distribution of assets. Yes guys, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था आई एल सी का मेन रेकमेंडेशन क्या था इनफैक्ट वो छोड़ो हमने जब प्रियमिल पढ़ा था की भाई जो क्रॉस बॉर्डर इन्सोलवेंसी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वहां पे भी हमने देखा टू बैलेंस एंड प्रोटेक्ट दल दी स्टेक होल्डर अब ऑल दी स्टेक होल्डर में तुम्हारे क्रेडिटर्स भी आते हैं

ये कहना है इसे तो ये पांच रिकमेंडेशन ऐसे थे जो कि आपके आईएलसी कमेटी ने दिए थे और ये पांच रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम ये फाइनली बोल सकते हैं कि जो भी रिकमेंडेशन आईएलसी कमेटी ने दिया था विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग वो प्रॉपरली अलाइन है आपके यूनिसेट्रल के मॉडल लॉ के साथ तो सी आपको कंक्लूजन में क्या लिखना था दैट इन कंक्लूजन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमेटी

ये क्वेश्चन गाइस था फाइव मार्क्स का कहने से गाइस फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एकदम ही इजी आंसर था एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछा था अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स बी पे अब यहाँ पे एक शेड्यूल बैंक था जिसने पैसा दिया था किसको एक्स वाई जेड लिमिटेड को अब हुआ क्या ना जिस दिन डेट ड्यू हुआ यहाँ पे जिस लोन दिया था उसने रिटर्न करने से मना कर दिया अब अगर रिटर्न करने से मना कर दिया तो क्या होगा यहाँ पे बैंक उस पेमेंट को क्या डिक्लेयर कर देगा डाउटफुल डिक्लेयर कर देगा क्यों क्योंकि पेमेंट आ ही नहीं रहा था अब अगर आपने रेगुलर लेक्चर में सरफेजी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको याद रहेगा कि सरफेजी के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन जिसको आपने लोन दिया था अगर वो पैसा देने से मना कर देता है तो लैंडर के पास जिसने पैसा दिया है उसके पास क्या-क्या राइट्स अवेलेबल है क्या-क्या स्टेप्स अवेलेबल है इस लोन को क्या कराने के लिए उस लोन को रीपे कराने के लिए यस और नो अब हमें देखना है कि भाई जो भी क्लेम जो भी यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हो XYZ लिमिटेड से आप क्या-क्या मेजर्स यूज करोगे अंडर दी सरफेसी एक्ट फॉर रिकवरिंग योर लोन अब आपको सजेस्टेड आंसर में क्या लिखना था देखिए आंसर 6 बी क्या क्या मेजर अवेलेबल है यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप डिमांड नोटिस इश्यू करोगे yes, guys, अगर आपको याद हो तो, हमने जो फर्स्ट चीज पढ़ा था कि जैसे ही अगर आपको पता चलता है कि ये पर्सन जिसको आपने लोन दिया था अगर वो रीपेमेंट करने से मना कर रहा है तो क्या आप सीधा नो आप डिमांड so no. पूरा पूरा नोटिस इशू yes no? करके कहने से आप 60 डेज का टाइम देते थे उस पर्सन को कि आपके पास 60 डेज अवेलेबल है आप क्या करो आप का जितना भी लोन है आप रिपे कर दो विद इंटरेस्ट यस और उसके बाद हम कुछ एक्शन लेते थे

कि जिस एसेट के ऊपर आपने सिक्योरिटी क्रिएट किया था जब आपने लोन दिया था तभी तो वो सिक्योर्ड एसेट क्या कर सकते हो उसका आप आपके पास ले सकते हो थर्ड सेल और लीज ऑफ सिक्योर्ड सिक्योर्ड एसेट आफ्टर टेकिंग द द ऑफ एसेट द बैंक हैज राइट टू सेल और लीज द एसेट टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट द सेल कैन बी कंडक्टेड थ्रू पब्लिक ऑक्शन प्राइवेट अग्रीमेंट और एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड अंडर दैट

फोर्थ जो आपके पास अवेलेबल होता है आप क्या करोगे आप एक मैनेजर को अपॉइंट करोगे अब ये मैनेजर क्या करेगा ये जो भी सिक्योर्ड असेट जो आप उसके पोजीशन से लेके आए हो अब उसको मैनेज कौन करेगा तो आपका ये मैनेजर उसको मैनेज करेगा इतना ही नहीं अगर मान लो जो बोरोवर जो है बोरोवर अगर पैसा देने से मना करता है तो कहने से आपके रिकवरी का, तो आप का, आप आप पूरा का पूरा पैसा रिकवर नहीं करा लेते तो अब यहाँ पे होगा क्या जो मैनेजर को आप अपॉइंट करोगे वो भी क्या करेगा गाइस वो बिजनेस मैनेज करेगा किसके बैंक के मैनेज करेगा समझ में आया पक्का फिफ्थ ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड टू रिकंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल दिया था ऑप्शन हाँ भी उसके जो एनपीएस होते हैं वो क्या करेगा वो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देगा उसको ट्रांसफर करेगा ताकि उसका बैलेंस शीट क्लीन दिखे यस और नो याद आया बच्चा पार्टी एंड सबसे लास्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये अगर मान लो आपने कुछ किसी असट पे सिक्योरिटी क्रिएट किया था तो आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी एनफोर्स कर सकते हो बट अगेन गाइस अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या था कि आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट जब क्रिएट हुआ तो आपको उसको रजिस्टर कराना है किसके साथ सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ तो गाइस अगेन कहने से ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कहने से ये जितने भी मेजर्स जो हमने डिस्कस की है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपने रेगुलर लेक्चर्स में कहने से ये एकदम ही इजी क्वेश्चन था अगेन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था फाइव मार्क्स का क्वेश्चन गई सिर्फ आपको तो पांच पॉइंट एक्सप्लेन करने थे कि आपके पास एक लेंडर के पास कौन से कौन से मेजर्स अवेलेबल होते हैं उसका पैसा रिकवर कराने के लिए अब आ जाओ गई क्वेश्चन नंबर सिक्स सी पे अब क्वेश्चन नंबर सिक्स सी एक

अच्छा बात बताओ अगर सीओसी को रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना है तो कितना परसेंटेज ऑफ वोट का रिक्वायरमेंट है? Yes no. तो है अब आगे देखते हैं कॉर्पोरेट डेटर एक्सेंशन ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूज बाई गवर्नमेंट लोकल ऑथोरिटीज एंड क्लोजर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट दी कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू दी सच ड्यूज

जब ये रेजोल्यूशन प्लान गया एनसीएलटी के पास तब आपको क्या लगता है कि एनसीएलटी इस प्लान को अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा आपको एक वैलिड केस लॉ भी देना है इसके लिए आ जाओ देखते हैं सजेस्टेड आंसर में क्या है द टेनेबिलिटी ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी अब सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी मतलब 87% कैन आई से

जो कि कहता है वंस रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द सीओसी विद अ रिक्वायर्ड मेजॉरिटी इट इज सबमिटेड टू द एनसीएलटी फॉर इट्स अप्रूवल द एनसीएलटी कैन अप्रूव अ रेजोल्यूशन प्लान इफ इट्स मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 32 एंड डज नॉट कॉन्ट्रावीन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द आईबीसी अच्छा जरूरी है कि अगर सीओसी ने प्लान को अप्रूव कर दिया है तो एनसीएलटी को भी अप्रूव ही करना पड़ेगा सो द आंसर इज नो अगर एनसीएलटी को लग रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान आईबीसी का कोई प्रोविजन कर रहा है तो क्या एनसीएलटी इसको अप्रूव करेगा सो अगेन द आंसर इज नो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी रेजोल्यूशन प्लान जो प्रेजेंट हुआ था इस रेजोल्यूशन प्लान में क्या क्या चीजें बोली थी सबसे पहला रेजोल्यूशन प्लान ने कहा एक्सटिंग ऑफ क्लेम

जो पॉइंट उन्होंने बोला था एक्सेंशन ऑफ टैक्स ड्यूज द रेजोल्यूशन प्लान प्रोविजन फॉर एक्जेपन ऑफ टैक्स ड्यूज ड्यू टू दी गवर्नमेंट और लोकल ऑथोटीज मस्ट कंप्लाई विद दी विदेच्यूटरी प्रोविजन आईबीसी स्पेसिफिकली एड्रेस टैक्स टैक्सम्पन बट इट रिक्वायर्स डेट द प्लान बी फीजेबल वायबल इफ दी टैक्स एक्जन इज पार्ट ऑफ अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट

कि अगर मान लो आप सेटलमेंट और ये सारी चीजें करा रहे हो तो ये अकॉर्डेंस होना चाहिए प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए अच्छा अब यहाँ पे जो इन्होंने केस लॉ कहा कौन सा केस केस लॉ लॉ अब यहां पे हम जो रेफर करेंगे वो है स्विस स्विस्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस लैंडमार्क केस में गई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था दैट द इंपोर्टेंस ऑफ दैट अ रेजोल्यूशन प्लान आर इन कंप्लायंस विद द विद्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ आईबीसी एंड डू नॉट वायोलेट एनी अदर लॉ

hinges on its compliance with the statutory provision of the IBC, fairness to all stakeholders and adherence to public policy. The approval of 87% of the COC indicates substantial creditor support, which is generally a positive factor. However, NCLT will scrutinize the plan to ensure it meets all legal requirements, including those related to the extinguishment of claim, exemption of taxes and closure of proceeding. If these aspects are legally justified and do not unfairly prejudice any stakeholder, the resolution plan has a good chance of being approved. However, any provision that contravenes statutory requirement or public policy could lead to the plan being rejected or modified by the NCLD. Yes guys, if COC gave approval or if significant approval Milata.

यस गाइस क्लियर है आपको समझ में आया आपको इस मार्क्स के के क्वेश्चन लिए किस तरीके से आपका आंसर करना है देखो, क्या करते है है. उसके आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रेजोल्यूशन प्लान जो सारी चीजें बात कर रहा है, claim, क्या वो है? तो आप सारी चीजें एक्सप्लेन करो फिर आप रेलिवेंट केस लो सजेस्ट करो उसके बाद आप अपना कंक्लूजन दो समझ में आया कहने से अगेन ये एकदम इजी क्वेश्चन था बट हाँ थोड़ा ट्रिकी था अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज योर क्वेश्चन नंबर नंबर डी डी अब क्वेश्चन क्या कहता है आ जाओ टू फॉर डायरेक्शन अंडर सेक्शन सिक्स टू गिव नोटिस ऑफ ऑल सीओ सी मीटिंग to provide minutes of the meeting and to permit to attend the meeting as per the operational creditor is more than 10% of the operational debt and hence as per the code allowed to attend the meeting are operational creditor legally entitled to attend and vote at the meeting of coc discuss by giving relevant case laws अब अगेन गाइज एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है अब अगेन आपको इसके कैसे आंसर करना है आप पहले प्रोविजन बताओगे फिर आप फैक्ट एक्सप्लेन करोगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे आप रेलिवेंट केस लॉ एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में आप कंक्लूजन दोगे अब आपको क्या आंसर करना चाहिए था इस क्वेश्चन का आ जाओ ते हैं यस गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला मैंने प्रोविजन एक्सप्लेन करा है इफ यू रिमेम्बर सेक्शन ट्वेंटी फोर सब सेक्शन थ्री जो कि क्या बात करता है RP का एक ड्यूटी होता है टू प्रोवाइड द द नोटिस नोटिस ऑफ 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 मीटिंग सीओसी अब किसको किसको जाएगा मेंबर कमेटी मतलब जो सीओसी के मेंबर है इंक्लूडिंग उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि सस्पेंड हो चुके हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग अच्छा जो थर्ड जो है जिनको नोटिस मिलना चाहिए कौन है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर लेकिन क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या हर टाइम so no. कंपलसरी है टोटल डेट ऑपरेशनल क्रेडिटर का टोटल डेट इज नॉट लेस देन दर्सेंट ऑफ दी डेटर मतलब डेटर का, का जितना जो डेट है अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का टोटल डेट अगर उसका टेन परसेंट या उससे ज्यादा है तो अभी उनको क्या मिलेगा नोटिस मिलेगा समझ में आया उनको नोटिस भी मिलेगा और उनको पार्टिसिपेट करने का राइट right भी मिलेगा अच्छा अब अगर इसका मतलब क्या उस मीटिंग में उनको वोटिंग राइट right मिलेगा सो अगेन द आंसर इज नो तो हमने सबसे पहला प्रोविजन एक्सप्लेन कर लिया अब हमें डिस्कस करना है, अब कौन सा है? तो एसआर स्टील

प्रोविजन एंड ऑन दी बेसिस ऑफ दी जजमेंट गिवन अंडर दी एस आर स्टेल हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को नोटिस मिलने का राइट right तभी मिलेगा जब उनका एग्रीगेट डेट थ्रेश लिमिट की रिक्वायरमेंट मीट करे लेकिन उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा यस yes, बच्चा पार्टी क्लियर है आपको समझ में आया आपको किस तरीके से एक आंसर को रिप्रेजेंट करना है क्लियर है बच्चा पार्टी कहना ऐसे ये एक और ऐसा क्वेश्चन था जो कि एकदम ही इजी था पक्का क्लियर है चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़े अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो की है क्वेश्चन नंबर सिक्स ए वन अब अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हैं जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हु इज कॉन्ट्रीब्यूटरी

जिस होगा हो अगर उस वक्त अगर आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूटर शेयर होल्डर था तो आप उसको भी भाई हमें देखना है की लिक्विडेटर का क्या क्या ऑथोरिटी है अगर उसे कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा क्या करना है पैसा लेना है तो सबसे पहला सेक्शन फिफ्टी टू यस गहता है इट एम्पावर्स टू इन्वेस्टिगेट दी अफेयर ऑफ दलूडिंग examination the 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 conduct of its promoter directors and officer if it is found that a contributory owes any amount amount to to corporate data, the liquidator can steps to recover such amount. कि अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी से कुछ पैसा लेना बाकी है तो कहने से अब वो पैसा कौन लेगा लिक्विडेटर पैसा कलेक्ट करेगा इतना ही नहीं सेक्शन 53 क्या कहता है इट out आउट दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ from फ्रॉम दी सेल ऑफ in liquidation आफ्टर पेइंग द लिक्विडेशन कॉस्ट एंड अदर डेट

कि कि भाई भाई अगर से पैसा पैसा कलेक्ट करना है है तो अब पैसा कैसे रिकवर कराओगे समझ में आया यस बच्चा क्लियर चलो अब हम देखेंगे पे का राइट right क्या क्या होता है है हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ है कि क्या का कुछ राइट right होता है तो course, के भी कुछ होते है. क्या -क्या है? सबसे पहला

complicate the process. अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा लेते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है See, यहाँ पे प्रोविजन तो हमने बना लिया है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी से कुछ भी पैसा आना बाकी है तो लिक्विडेटर ये प्रोसेस फॉलो करके वो पैसा ले सकता है लेकिन प्रैक्टिकली कहने से ये एकदम डिफिकल्ट हो जाता है क्यों सबसे पहले तो ट्रैक करना कि भाई कॉन्ट्रीब्यूटरी है कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी से कितना पैसा आना बाकी है प्लस वो पैसा कहने से उसे रिकवर कराना क्यों क्योंकि कहने से अगर कुछ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया तो अननेसेसरी का कहने से ये प्रोसीडिंग्स को डिले करेगा यस और नो सेकेंड चीज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आई बी सी एम टू अचीव एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टाइमिंग ऑफ लाइबिलिटी के वक्त अगर मान लो अगर आपके कॉन्ट्रीब्यूटरीज है तो वहां पर कुछ ना कुछ गैस प्रॉब्लम आ सकता है उसके साथ साथ लीगल रेमेडीज और प्रोडक्शन के बारे में भी बात किया है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास भी लीगल रेमेडीज है अगर वो भी चाहे तो क्या कर सकते हैं वो भी जो भी

अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सेज दैट द एप्लीकेशन ऑफ द आईबीसी प्रोविजन रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूटरीज़ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कोर्ट एंश्योर्स दैट दिस प्रोविजंस आर अप्लाइड फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इसका सिंपल मतलब क्या है कि अब ये कोर्ट के ऊपर है

सरप्लस आफ्टर ऑल डेट्स एंड लाइबिलिटीज आर पेड इतना ही नहीं लिक्विडेटर के पास भी गैस अथॉरिटी है क्या अथॉरिटी है लिक्विडेटर के पास भी गैस अथॉरिटी होता है कि वो कंट्रीब्यूटरीज़ को पहले ट्रैक करे उनसे कितना पैसा आना बाकी है वो एनालाइज करे और उनसे पैसा रिसीव करे गैस तो यस बच्चा पार्टी आपको कंक्लूजन समझ में आया क्लियर है आपको आपको

वहाँ पे एक प्रोविजन पड़ा था यस 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 आप सब करेक्ट हो कहने से हमने वहाँ पे एक प्रोविजन पड़ा था क्या कि अगर कंपनी ने लास्ट थ्री मंथ्स में अगर ये एक्टिविटी करी है तो कंपनी का क्या नहीं कर सकता स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता याद आया क्या था और उसमें से एक पॉइंट था कि अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर शिफ्ट किया रहेगा तो कहने से गई कंपनी क्या नहीं कर सकता कंपनी उसका

थ्री ये थ्री मंथ्स में प्रीवियस थ्री मंथ्स में अगर ये चीजें हुई है या इसमें से कोई भी एक चीज हुआ है तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता तो गैस कहने से अपने क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्राई एंड विंड लिमिटेड ने कहने से लास्ट थ्री मंथ्स के अंदर ही उन्होंने क्या किया था उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दैट तो इज पटना से कोलकाता में शिफ्ट करा हुआ है गैस तो कहने से अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन गिवेन अंडर दी आई

पांच मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स ए क्वेश्चन नंबर थ्री अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू जीरो एट सबसेक्शन वन ऑफ आई बी सी सेज दैट वेर एनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेश स्टार्ट लिक्विडेशन और बैंक प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड इट शेल बी दी फंक्शन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू टेक एक्शन एज मे बी नेसेसरी अब इसके बेसिस पे आपको क्या आंसर करना था व्हाट आर द फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगेन पार्टी एकदम एकदम क्वेश्चन क्वेश्चन है है इजी पूछा हुआ है. अब इसका आंसर क्या लिखना था आपको आपको सी आ जाओ सबसे पहला तो सेक्शन टू जीरो अपॉइंट होता है वो कैसे

चाहे वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो या फ्रेश स्टार्ट हो या तो फिर आपका पीपीआरपी हो हर एक जगह पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता ही होता है उनका कुछ ना कुछ रोल्स एंड फंक्शंस होते ही होते हैं जो उनको कैरी आउट करने पड़ते हैं यस yes, बच्चा पार्टी आपको समझ में आया अब उनकी कुछ ऑब्लिगेशन होती है जो कि उनको फुलफिल करनी पड़ती है एज पर सेक्शन टू अगर आपको याद हो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बेटा कुछ ऑप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहला, टू अबाइड दी कोड ऑफ कंडक्ट मतलब अगर आई बी बी आई ने विच इज बोर्ड अंडर दी कोड

वो कुछ भी कम्युनिकेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू सीओ सी चाहे वो सीओसी के साथ करे चाहे वो एनसीएल के साथ करे या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या स्टेक होल्डर के साथ तुम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो गाइज आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है है समझ में आपको कुछ इस तरीके से नहीं करना है कि जिससे किसी और का इंटरेस्ट इफेक्ट हो समझ में आया बच्चा पार्टी यस yes, सबसे लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट पॉइंट जो कि क्या है प्रोटेक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स क्या कहता है अगर आपको याद हो जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है उसको क्या करना पड़ता है गाइज जितने भी असेट्स एक कॉर्पोरेट डेटर के हैं वो असेट्स कहने से क्या करता है कोलेट करता है उसके पास रखता है उसकी कस्टडी में रखता है उसका वैल्यू प्रिजर्व करता है यस और नो बचाबाड़ी एंड सबसे लास्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यस बचा मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है अगर आपको

समझ में आया कैन आई से अगेन पांच मार्क्स के लिए एकदम ही इजी क्वेश्चन पूछा था अब जाएंगे हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स ए क्वेश्चन नंबर फोर जो कि अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस अब ये क्वेश्चन गाइस क्या कहता है कंपनीज वाइंडिंग अप रूल ट्वेंटी अलाउ सर्टन क्लासेस ऑफ कंपनीज टू क्लोज देयर बिजनेस बाय मेकिंग अ वाइंडिंग अप एप्लीकेशन टू दी

यस yes, बच्चा पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपको याद हो हमने वो वो सारी सारी की सारी पढ़ी थी अब ये क्या कहता है कि अगर कंपनी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है तो वो कंपनी वाइंडिंग अप के लिए किसके पास आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ही की

कि अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चा पार्टी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ, आ सकते हो फॉर समरी प्रोसीजर अच्छा इतना ही नहीं हमने ये भी देखा था कि ये रूल क्या कहता है कि यहाँ पे आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा मीटिंग कंडक्ट कराना पड़ेगा किसका क्रेडिटर्स का कॉन्ट्रीब्यूटरी का यस और नो एंड ये भी बताना पड़ेगा क्रेडिटर्स को कि कौन से कौन से सिनेरियोज में वो क्या सकते कर सकते हैं वोट कर सकते हैं इतना ही नहीं ये रूल के अंदर ये भी बोला था कि अगर कंपनी का कोई बैंक अकाउंट है और मान लो वाइंडिंग तक अगर वो पैसा नहीं रखना है गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या तो फिर इंटरेस्ट बैरिंग डिपॉजिट्स में क्या इंटरेस्ट बैरिंग डिपॉजिट्स किसी का भी हो सकता है नहीं इंटरेस्ट बैरिंग डिपॉजिट्स किसका शेड्यूल बैंक का तो आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला है इस रूल के अंदर कि जो जो यहाँ पे वाइंडिंग अप का प्रोसीजर पूरा का पूरा कैरी आउट करेगा यहाँ पे क्या बोला है कि उसको हर एक अकाउंट हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है उसके साथ साथ यहाँ पे इस रूल के अंदर ये भी बोला है कि अगर कोई क्रेडिटर जो कि उसका डेट प्रूव करता है या क्लेम प्रूव करता है कि इतना इतना पैसा मेरा कंपनी से लेना बाकी है और अगर मान लो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे उस क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकता है गाइस किसके पास ट्रिब्यूनल के पास समझ में आया बच्चा पार्टी क्लियर है यस तो इसी के साथ फाइनली गाइस हमने कैनई से एक पेपर का पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे से कंप्लीट किया

उसका भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए गाइस सी यू टाटा बाय बाय टेक केयर